ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किनू और नगड़ा टोली रांची। आजसू की ओर से समाज में लीडरशिप तैयार करने के लिए केंद्र महाधिवेशन का आयोजन राजधानी रांची में किया जा रहा है। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक होने वाले इस महाधिवेशन के कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। हो जाएगा काम अगर डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे आप बता रहे हैं, अगर उस तरह से सब जिम्मेदारी लेके करें तो आसान है करना। तो अपने सामने अभी यहाँ बना के आपके साथ बैठ करके सब यही कहेंगे कि हाल के दिन में सबसे ज्यादा कोई गति पकड़ा है तो जामताड़ा जिला गति पकड़ रहा है। धन्यवाद। हर गांव का प्रतिनिधि का टारगेट करो तो पार्टी का प्रतिनिधि के रूप में आए और कोशिश करो कि महिला प्रतिनिधि आए। मुझे उनका जिला में सर 10 प्रखंड है और 206 पंचायत है। 10 प्रखंड में 6 प्रखंड कंप्लीट कर दिया सर पंचायत। आज पार्टी के सभी केंद्रीय जिला और प्रखंड इकाई का सहयोगी इकाई के पदाधिकारियों का आज एक दिवसीय हम लोग का महाधिवेशन से पहले की तैयारी के संदर्भ में चर्चा करने के लिए बुलाए थे। आज लगभग महाधिवेशन का स्वरूप तैयार हो गया, प्रारूप तैयार हो रहा है। इसके लिए सब कमेटी बनेगी और ये अधिवेशन न केवल आजसू पार्टी का होगा। हमारी तैयारी है कि ये पूरे राज्य का अधिवेशन होगा। राज्य के राजनीतिक संजीदा और राज्य के बारे में सोचने वाले, राज्य की प्रगति के बारे में सोचने वाले, राज्य की राजनीति पर दखल देने वाले हर गांव के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो, ये तैयारी हमारा चल रहा है। ये पहली बार ऐसा होगा कि कोशिश है कि हर गांव का प्रतिनिधि इसमें आए और कोशिश ये भी है कि गांव में ना केवल पुरुष बल्कि महिला प्रतिनिधि भी आए, ऐसी तैयारी हमारी चल रही है। 29, 30 और 1 महाधिवेशन ये अपने आप में ये राज्य का और राज्य के राजनीतिक विषयों का, जहाँ पर हम सभी लोग अलग अलग प्रस्ताव राज्य के लिए, राज्य के हित के लिए एक राजनीतिक दल के कर्तव्य और दायित्व को निर्धारित करेंगे। राज्य के वर्तमान और भविष्य पर चर्चा होगा, राज्य के सामाजिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा होगा। ये सारे 3 दिन का अलग अलग सेशन पर अलग अलग विषय पर चर्चा होगा। अंतिम दिन खुला सत्र होगा जिसमें राज्य के तमाम लाखों प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये एक तरफा संवाद हमारा महाधिवेशन में होता नहीं, हमने इसीलिए कहा कि राज्य के विषयों का, राज्य के ज्वलंत विषय भी इसमें शामिल होंगे और राज्य के मेजर, एक स्टेट के लिए जो मेजर इश्यूज है, नेशनल इश्यूज है, ये सभी विषय उसके प्रस्तावना में होंगे और प्रस्तावना के आधार पर ब्लॉक इकाई का, जिला इकाई का हर पदाधिकारी उसमें डिबेट में भाग लेगा। यही तैयारी है कि लगभग 5000 प्रतिनिधि हर सेशन का हिस्सा होंगे और 5000 प्रतिनिधि को कोई ना कोई समय ऐसा निर्धारित होगा जो किसी न किसी विषय पर अपना संबोधन, अपना मत देंगे और हमारी तैयारी है कि उसके मत को पूरा राज्य सुने, ये तैयारी हमारी। हाँ, मैं ये भी ओपन सेशन में हमारी तैयारी है और किसी विशेष पर, विशेष विषय पर हम लोग ऐसे लोगों को भी आमंत्रित करेंगे जो उस विषय के माहिर लोग होंगे। जैसे मान लो राज्य में जल के विषय पर अगर हम चर्चा करेंगे तो जल के विषय में, इस राज्य के पानी के संबंध के विषय में, उसके नेचुरल सोर्स के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें जो महारत हासिल है जिनको देश के स्तर पर जिन्होंने उस पर काम किया है, ऐसे एग्जाम्पल सेट करने वाले लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।